नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। विकू शहर में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय जोश। मुंबई यह मेहनत करने वाले लोगों का शहर है। जब काम से फुर्सत मिलती है तब मुंबई करों को चाहिए होती है ऐसी जगह जहां तन और मन तरोताजा हो सके। आज मैं जाने वाली हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में मुंबईकर और पर्यटक आते हैं। तो चलिए चलते हैं वर्सोवा जुहू चौपाटी। यह मई का महीना है और दोपहर की गर्मी ने मुंबईकरों को परेशान कर दिया है। ऐसे में हम चल पड़े हैं वर्सोवा की ओर। चौपाटी पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विले पार्ले है, किंतु अंधेरे से भी यह आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन वर्सोवा है। चौपाटी जाने से पहले मैंने कुछ पल जुहू के इस्कॉन मंदिर में बिताए हैं। इस मंदिर से चौपाटी सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर है। इस मंदिर के प्रसादालय में काफ़ी स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना किफ़ायती दरों में उपलब्ध है। अब मैं जुहू चौपाटी पहुंच चुकी हूँ। संध्या का समय है, हवाओं में तेजी आ रही है, सूरज अस्त की ओर है, रेत गर्म और नरम है। एक ही किनारे मानो पानी का सैलाब और जन सैलाब मिल रहे हैं। कुछ ही सालों पहले तक यह चौपाटी काफी बदहाल अवस्था में थी। कुछ स्थानिक निवासियों ने इस चौपाटी के सफाई का जिम्मा उठाया। जल्द ही यह कदम एक आंदोलन में बदल गया और नतीजा आपके सामने है। इस बेहद ही प्रोत्साहित करने वाले आंदोलन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं फिलहाल उसी चौपाटी पे खड़ी हूँ जिसे आपने मुंबई के हवाई अड्डों से उड़ान लेने के तुरंत बाद आपके विमान की खिड़की से देखा होगा। चौपाटी पे आइए और मेलो लंबी रेत में चलिए। फेफड़ों में शुद्ध हवा भर लीजिए, पानी में आइए और रेत को पैरों तले फिसलते महसूस कीजिए। बच्चों के साथ खेलने का मौज उठाइए, पतंग उड़ाइए, खूबसूरत सूर्यास्त की तस्वीरें लीजिए। क्या यह एक शानदार शाम नहीं है? सेहत का ख्याल रखने वाले यहाँ जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं। यहाँ लोग अपने मोटे पतले पालतू कुत्तों को घुमाने लाते हैं। दादाजी और दादी जी अपने पोता पोतियों को रेत के किले बनाते देखते हैं और नौजवान हाथों में हाथ लेकर सुनहरे पलों का आनंद लेते हैं। सूरज ढलने जा रहा है, आसमान अपने रंग बदल रहा है, सृष्टि अपनी खूबसूरती बिखरती जा रही है। यह लम्हे है अपने अंदर के फोटोग्राफर को जगाने के और कैमरा लेके तैयार होने के। जब भी आप चौपाटी आएंगे तो ध्यान रखिए कि गंदगी ना फैलाए, कचरा कूड़ेदान में ही डालें, बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखिए
और समुंदर में काफी अंदर तक ना जाइए। चौपाटी छोड़ने से पहले यहाँ के लज्जतदार खाने का लुत्फ उठाना ना भूलिए। क्या आपने दो सूरज एक साथ देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के इस खूबसूरत जगह पे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। हमारा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।